जीभ के रंग और उसकी सजावट से आपकी खूबियां पता लगाई जा सकती हैं, आपके करियर और कारोबार का हाल भी समझा जा सकता है। कैसे, चलिए आज यही जानते हैं। वैदिक टीवी देख रहे हैं आप, मेरे साथ नाम है मेरा मेगा, राधे राधे सभी को। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है तो उसे कह देते हैं कि तेरी जीभ बहुत लंबी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में व्यक्ति की जीभ के जरिए आप बहुत सारी व्यक्तित्व की बातें जान सकते हैं, उसके व्यवहार, भूत, भविष्य, वर्तमान, सब कुछ। चलिए जान लेते हैं आपकी जीभ आपके बारे में क्या कहती है। अगर आपकी जीभ थोड़ी काली है या फिर ऐसी है जो थोड़ी सी डार्क काली में लिए हुए है, तो ऐसे लोगों को उनके कार्यक्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग नौकरी तो करते हैं लेकिन बहुत अधिक समय तक एक ही नौकरी करने में दिक्कत आती है। अगर ऐसे लोग व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी लगातार बदलाव करते रहते हैं, यानी करियर को लेकर ऐसे लोग अनिश्चित ही रहते हैं। दो रंगों की जीभ। जिन लोगों की जीभ का रंग एक समान नहीं होता यानी अलग अलग होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी बुरी संगति में पड़ते हैं। साथ ही ऐसे लोग नियमों का उल्लंघन भी करते हैं, सेहत को लेकर भी कई बार वो परेशान रहते हैं। मोटी जीभ वाले लोग। ऐसे लोगों की वाणी बहुत कठोर होती है, दिल के बुरे ना हो लेकिन इनकी बोलने की शैली इतनी ज्यादा कठोर और कड़वी होती है, ये लोग इन्हें गलत समझते हैं, ये बहुत तीखा बोलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और सोच समझकर ही अपनी बातें कहनी चाहिए। पीली जीभ वाले लोग। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जीभ का पीला होना शुभ नहीं होता। पीली जीभ आपके खराब स्वास्थ्य की ओर इशारा करती है। ऐसे लोगों की तर्क शक्ति, वाद विवाद करने की जो तर्कता होती है, वो बहुत कमजोर होती है। आपकी जीभ का रंग पीला है तो आप अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और योग जरूर करें। लाल जीभ वाले लोग। भविष्य पुराण कहता है कि जिनकी जीभ लालिमा लिए हुए होती है, ना बहुत पतली ना बहुत मोटी होती है, ऐसे लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही ऐसे लोग उच्च पदों तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, इनकी मेहनत भी अक्सर अच्छी रहती है। जीभ पर तिल का निशान हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता यानी बोलने वाले माने जाते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर राजनीति के क्षेत्र में सफल करियर बना लेते हैं, ये बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ होते हैं। हालांकि कई बार खुद को लेकर ये थोड़े लापरवाह हो जाते हैं और जल्दबाजी में ही ना बहुत बड़ा नुकसान भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी जीभ का रंग कैसा है। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। राधे राधे।